बाय द वे मेरे पास में कुछ लोगों के नाम ही नहीं है लिस्ट में। शर्वरी तुम हो क्या भाई? सर। हाँ सर, मैंने भेजा है आपको इनबॉक्स। अच्छा नहीं, मेरे पास नाम ही नहीं है एक्चुअली। वो मैं अच्छा, मैं अभी 2 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया है मैंने। हाँ, मैं बस जस्ट एक हाँ हाँ सर। मैं कर रहा था। ठीक है शर्वरी। अच्छा जो भी लोग होमवर्क भेज रहे हैं प्लीज अपना नाम साथ में नीचे मेंशन करें गाइस। ठीक है शर्वरी, तुम भी अपना नाम मेंशन करना, तुमने किस नंबर से भेजा है मुझे। ठीक है हाँ सर, मैं नाम भेजती हूँ। ओके। हाँ हम एंड में डाउट्स डिस्कस करेंगे उसके। तो सुनो, ग्राउंड स्टेट क्या है बताओ? एन इक्वल टू वन फॉर हाइड्रोजन। एक्साइटेड स्टेट हमने लास्ट क्लास में देखा था, और एक्साइटेड स्टेट क्या है भाई? कि ऑल एन ग्रेटर देन वन, ठीक है, आर कॉल्ड। हाँ बोलो क्या हुआ? आर आर एक्साइटेड स्टेट, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था गाइज, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और हमने देखा था कि कैसे, अगर मैं सपोज थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, तो जहां भी तुम्हें थर्ड एक्साइटेड स्टेट दिखे, तुम्हें तुरंत तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा करंट दौड़ना चाहिए कि एक मिनट मुझे केयरफुल होके सॉल्व करना है। तो इसका मतलब वो एन इक्वल टू फोर की बात कर रहा है, सर ये हमें मालूम होना चाहिए। इसके अलावा सुनो, इसके अलावा देर आर थ्री टाइप्स ऑफ जंप्स, तीन तरह के जंप्स हैं बच्चों, थ्री टाइप्स ऑफ जंप्स, ठीक है, दैट हैव बीन, ठीक है, नेम्ड, दैट हैव बीन नेम्ड, जिनका नाम रखा गया है। ठीक है, वो तीन तरह के जंप्स क्या हैं? देखो वो तीन तरह के जंप्स हैं, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन, ठीक है, इसमें जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसमें जो एनर्जी चेंज होता है इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, दूसरा जंप है एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, इसमें जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। और तीसरा जंप है सेपरेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। तो ये तीनों जंप, मतलब बहुत बार क्या होता है कि वो डायरेक्टली ये वर्ड यूज कर लेता है, तो ये वर्ड यूज करने के बाद में, ठीक है, तुम लोग यहां से कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हो गाइस। ठीक है, तुम लोग यहां से कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हो। आयनाइजेशन वर्ड यूज करने के बाद में, ठीक है, वो तुम्हें और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता, बाकी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें अपने आप समझनी पड़ती है कि वो क्या चाहता है तुमसे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एच लाइक स्पीशीज की बात करूं, ठीक है, तो एन इक्वल टू ग्राउंड स्टेट में, एन इक्वल टू वन में सपोज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये इसके ऊपर जो है सर, इन्फिनिटी। वो हाँ बोलो। न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज करता है। हाँ सही बात है, आयनाइजेशन का मतलब लिटरल सेंस में जो तुम बोल रही हो दृश्य, वो बिल्कुल सही है। न्यूट्रल्स, न्यूट्रल एटम्स को या न्यूट्रल स्पीशीज को आयन्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम आयनाइजेशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब एग्जैक्टली वो नहीं है। ठीक है, वैसे बोला जाए तब तो क्या है कि ऑक्सीजन से अगर मैंने ऑक्सीजन माइनस टू बनाया, देखो दो इलेक्ट्रॉन दे दिए उसको, तो ये भी तो, इसको भी तो आयन बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ जो आयनाइजेशन बोल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है। देखो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ठीक है, एंड तुमने इलेक्ट्रॉन को पूरा जंप करवाया। देखो मैं दो वर्ड्स हटाता हूं एक बार, लेट्स रिमूव एक्साइटेशन एंड सेपरेशन एंड लेट्स डिफाइन आयनाइजेशन प्रॉपरली। ठीक है, व्हेन आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोली जाएगी बताओ? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट एक ऑफ, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। माइक 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 काम बच्चों, माइक गाइस, आराना, माइक माइक ऑन है बच्चे, आराना। करो आराना एक ओके, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड
needed to move an electron from क्या बताओ कहां से n equal to 1 ठीक है टू n equal to infinity और इन अदर वर्ड्स क्या बोला जा सकता है बताओ और इन अदर वर्ड्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from ground state to infinity मतलब बेसिकली हम इसमें एटम को आयनाइज कर ले रहे हैं we are like tearing apart ठीक है मैं एक बार देखो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं देखो इसका मतलब ये है ना सपोज हाइड्रोजन है तो हमने H प्लस प्लस E माइनस देखो इसको क्या कर दिया है बताओ इसको इसके इलेक्ट्रॉन से टेयर अपार्ट कर दिया है हम लोगों ने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है इसमें से इलेक्ट्रॉन इसको जरा कॉपी करो हाँ भाई सबने लिखा सर मतलब हीलियम प्लस को हीलियम टू प्लस भी बोल सर हाँ हाँ हीलियम प्लस को हीलियम टू प्लस भी ठीक है ओके तो तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा भाई बोलो अगर वो तुमसे ये बोल देता है देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एच एटम हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था गाइस मुझे बताओ कितने वेरिएबल्स थे बताओ 4 वेरिएबल्स थे हमारे पास में याद है कि नहीं है बताओ क्या क्या लैम्डा लैम्डा या फ्रीक्वेंसी ठीक है जो भी कुछ एनर्जी ऑफ फोटोन और क्या था बताओ जेड और क्या था बताओ N1 और क्या था बताओ N2 ये 1, 2, 3, 4 ये 4 वेरिएबल्स थे देखो सब कुछ एज इट इज कॉपी करना तो जैसे ही वो तुमसे इतनी सी बात पूछ लेता है ना बताओ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एच एटम ठीक है तो तुम्हें पता है उसने तुम्हें N1 और N2 डिफॉल्ट दे दिया है अब तुम्हें उसने बता दिया N1 N2 क्या है ठीक है ना इस इंग्लिश के अंदर ये दोनों ऑर्बिट के नंबर्स ऑटोमेटिकली मेंशनड है और जेड तो पता ही है बिकॉज वो किसकी बात कर रहा है एच की बात कर रहा है तो तुम्हें 4 में से 3 चीजें मिल गई ना बताओ इतनी सी बात से तो अब तुम्हें क्या निकालना है बस ये एनर्जी निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ एनर्जी डेल्टा ई आयनाइजेशन एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो क्या था भाई एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर mod of 1 by n 1 ka whole square minus 1 by n 2 ka whole square देखो अगर तुमने ये मैं बहुत ही छोटी सी सिली चीज बताता हूँ गाइस अगर तुमने ये फॉर्मूला 5 बार लिखा है मान लो तुमने ये तुम इस फॉर्मेट में लिखना भूल गए तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी है कि तुम इसको फॉर्मूले को
ठीक है, झट से उठा के यूज कर पाओ। वो जो सेकंड्स का हेसिटेशन हो रहा है ना, वो एक्चुअली क्या है कि तुम्हें आगे या पीछे रखता है बाकी बच्चों के सामने। थोड़ा इसको भी ऐड करना चाहिए तुम्हें लिस्ट में। खैर चलो, तो बताओ क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, और मॉड लिखना था बताओ मुझे, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। तो इंफिनिटी का स्क्वायर जीरो है कि नहीं बताओ? हाँ, 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर जीरो है कि नहीं है? तो इसलिए डायरेक्टली आंसर क्या हो गया बताओ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कुछ डाउट है कि एक मिनट सर ऐसा कैसे हो गया, सर ये चीज कैसे हो गई? तो मैं तुम्हें इतना, हाँ थोड़ा सा और अपन देख ले, तो ये होना भी चाहिए था। मुझे बताओ कि भाई अगर अगर हम लोग ऑर्बिट्स की एग्जैक्ट एनर्जी लिखें, तो अगर ये 1 है, 2 है, ये 3, 4 है, और ये इन्फिनिटी नंबर है, देखो तो यहाँ की वैल्यू -13.6 है, इन्फिनिटी वैल्यू कितनी है बताओ गाइस? जीरो जीरो जीरो। तो मुझे बताओ कि यहां से यहां पहुंचने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी है? तो तुम जैसे ही 13.6 इसको दोगे तो -13.6 +13.6 एनर्जी ऐड हो जाएगी और जीरो बन जाएगा वैल्यू, मतलब तुम इंफिनिटी पे पहुंच जाओगे। सबको ये समझ में, सबको ये फील हुआ? दिस इज द मिनिमम एनर्जी, दिस इज द मिनिमम एनर्जी, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज, रिक्वायर्ड टू आयनाइज। वाई इंफिनिटी ओनली? क्योंकि तुमने जो एनर्जी दी है 13.6, ये हमने इन्फिनिटी से ही तो कैलकुलेट करके निकाली है ना, हम लोगों ने इसमें ऑर्बिट नंबर डाला है ना अमन, कि 1 से इन्फिनिटी का गैप कितना है, वो गैप निकाला है ना 13.6। तो इसका मतलब यही तो है कि यहाँ पे 13.6 दोगे तो तुमने जिन दो ऑर्बिट्स के बीच का गैप निकाला है, तुम यहां से वहां चले जाओगे। मैं अगर यहाँ पे N2 को इन्फिनिटी नहीं डालता अमन, मैं यहाँ पे अगर N2 को 2 डाल देता, देखो बताता हूं तुम्हें, एक बार इतना कॉपी कर लो फिर। सॉरी, एक और एग्जांपल बताओ ना। हाँ, आ रहे हैं सब पे, हम बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं। मतलब 13.6 इनटू जेड स्क्वायर डायरेक्ट आंसर है। 13.6 इनटू जेड स्क्वायर डायरेक्ट आंसर है। हाँ, सिर्फ किसके लिए, सुनो बच्चों, सिर्फ किसके लिए? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए 13.6 जेड स्क्वायर डायरेक्ट आंसर। आयनाइजेशन। अच्छा, व्हाट हैपेंस मुझे बताओ, अगर मैंने इसे 14 ईवी दे दिया, 14 ईवी फोटोन बाहर निकल जाएगा, इज गिवन, क्या हो जाएगा? इट विल बी रिमूव्ड, मूव अवे, इट विल मूव अवे ऑर्बिट। अरे, इट वुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। अरे क्या बात कर रहे हैं क्यों सर, ज्यादा एनर्जी का दिया ना, ज्यादा एनर्जी का दे दिया तो वो इन्फिनिटी से बाहर चला गया है यार, सारे ऑर्बिट से काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। हाँ आदित्य, अनस्टेबल हो जाएगा। नहीं, बताता हूं क्या होगा। सबने इतना कॉपी किया? यस सर। अच्छा देखो, आज की क्लास में हम बहुत सीखने वाले हैं भाई, और इसके बाद वाली क्लास में हमारा सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? परसों जो क्लास होगी गाइस, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का कवर पूरा हो जाएगा हमारा, मोस्टली हो जाना चाहिए। तो अच्छा, इफ 14 ईवी इज गिवन तो क्या होगा, और इफ 15 ईवी इज गिवन तो क्या होगा? अच्छा, हम दोनों की बात करते हैं अलग अलग, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं कोई वैल्यू दूंगा तो क्या होगा। तो अब मुझे बताओ कि अगर 14 ईवी दिया, तो सिंस दिस एनर्जी इज मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसमें क्या होगा पता है? कि पहले तो ये देखो, ये
यहां से यहां तक जाने में कितना एनर्जी खर्च कर लेगा? 13.6 यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कंज्यूम 13.6 फॉर दिस जर्नी. देखो अमन, और जब वो यहां पहुंचेगा तो अभी भी इट इज लेफ्ट विद एक्स्ट्रा एनर्जी. कितनी? 0.4. तो अब यहां पे क्या होगा पता है? यहां पे अब ये ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है. इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी इज एक्चुअली फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से फ्री हो गया है. ठीक है, एंड दिस मूव्स विद दैट एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस मूव्स विद दैट एक्स्ट्रा एनर्जी. ठीक है, एज इट्स की ये अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मूव करता है, एज इफ ये उसका अपना प्राइवेट पर्सनल के ही है. समझ रहे हो? तो यहां पे क्या होगा, बस डिफरेंस इतना होगा पता है. तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? इट गेट्स आयनाइज्ड, वो आयनाइज होगा. इट गेट्स आयनाइज्ड, ठीक है, एंड के इज नॉट इक्वल टू जीरो नाउ. अब इसका के कितना हो जाएगा? 0.4. तो मुझे बताओ 15 ईवी से क्या होगा बताओ? फिर तुम 15 में से 13.6 पहले सबट्रैक्ट कर लो, 13.6 सबट्रैक्ट कर लो, एंड सबट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास 1.4 ईवी जो आ रहा है. तो ये के ई एट इंफिनिटी, काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी, ठीक है, विल बी इक्वल टू 1.4 ईवी, राइट? तो ये 1.4 ईवी से मूव करता रहेगा. तुम्हें इसको देख के किसी सेक्शन की याद आती है? सर, किसकी? सर. अरे क्या बात है, न्यूटन. हाँ बोलो सर. बीच बीच में आपकी थोड़ी आवाज कट गई, आप एक और बार थोड़ा पीछे से बता सकते? हाँ, एरियल बोल रही होगी. हाँ सर. हाँ एरियल, कहाँ से बताना है बताओ? सर 15 ईवी. 15 ईवी के अंदर काइनेटिक एनर्जी 1.4 कैसे है वो वाला पार्ट? भाई इसका मतलब ये है ना कि ऊपर का एग्जांपल, ठीक है, और इस एग्जांपल से मैं कंक्लूजन ये निकालना है कि मैं आज इसको जब -13.6 ईवी है मेरे पास में, ये सेकंड थर्ड फोर्थ और इन्फिनिट ऑर्बिट में सपोज ये है, जीरो टोटल एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, तो मैं इसको 13.6 ईवी से ज्यादा बड़ा कोई भी फोटोन दूंगा गाइस, ठीक है, जो भी तुम इसे एनर्जी दोगे, ई नॉट फोटोन. तो ये क्या करेगा पता है? ये ई नॉट में से पहले कितना सब्ट्रैक्ट कर लेगा बताओ? 13.6 सब्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ऊपर जा रहा है तो बताओ 13.6 सब्ट्रैक्ट करेगा, फिर यहां पहुंचेगा, और ये बची हुई एनर्जी क्या होगी बताओ? इसकी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. ओके सर. जब मैंने इसे 13.6 दिया तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो, जो कि हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं एक बार. yes, जब मैंने सर 14 दिया तो 0.4 और 15 दिया तो 1.4 ही. ओके सर, थैंक यू. इसको जरा कॉपी कर लो. सबने लिखा? हाँ सर, उस पार्ट जैसा, मतलब वर्क फंक्शन 13.6 जैसा हो गया और एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड किए, सो रेस्ट के मैक्स बन जाता.
तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ देखो, ठीक है। तो ये वो उसकी तरह हो गया ना मोहित, वर्क फंक्शन की तरह हो गया। हाँ सर, है ना, बस बस वही। तो हाँ भाई, अच्छा एक और टर्म होता है देखो बच्चों, जैसे अगर वो है ना कभी कभी तुमसे आयनाइजेशन पोटेंशियल वर्ड यूज कर लेता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो एज ऑफ नाउ सुनो, एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी, इज सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी। दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। इज सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली दोनों सेम होते हैं। अब इसका असली मतलब जो है वो तो तुम्हें बाद में मालूम चलेगा, बस इतना समझ जाना देखो कि जैसे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है बताओ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो नंबर हम यही रखेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ, 13.6 वोल्ट हो जाएगा बस। तो इस सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो नंबर होता है बस वही नंबर आयनाइजेशन पोटेंशियल का होता है, ये याद कर लो। मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूं बच्चों, ये मैं तुम्हें रटवा रहा हूं, ये जस्ट लर्न दिस थिंग। ठीक है, किसी सवाल में सपोज उसने देखो ऐसा कुछ लिख दिया इतना वोल्ट, तो तुम घबराना मत, तुम बस ये वी हटाना, समझ रहे हो, तुम ये वी हटाना और इस वी को हटा के ई वी लगाना और अपना काम शुरू कर देना। अच्छा तो वैसे ही सेकंड टर्म होता है गाइस, दैट इज एक्चुअली एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एनर्जी। इसे मुझे डर लगता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज कॉम्प्लिकेशन, जब वो है ना कॉन्सेप्ट के बजाय इंग्लिश से हमें परेशान करते हैं ना तो हमेशा इरिटेटिंग हो जाता है। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है कि दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड सर। हाँ बोलो सर। दिस इज अनदर टाइप ऑफ जंप राइट? हाँ ये भी एक्चुअली अनदर टाइप ऑफ जंप है। तीन जंप पढ़ेंगे हम लोग, आउट ऑफ थ्री जंप दिस इज सेकेंड जंप। जैसे दैट जंप वॉज फिक्स्ड फ्रॉम एन इक्वल टू वन टू एन इक्वल टू इंफिनिटी, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इक्वल टू वन, फ्रॉम एन इक्वल टू वन। अब देखो इसके अंदर ये चीज जो है ये फिक्स्ड है, मतलब उसकी स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी गाइस, गर्ल्स बच्चों, स्टार्टिंग हमेशा एन इक्वल टू वन से होगी, ग्राउंडेड किड्स ओनली टू एनी एक्साइटेड स्टेट, वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट पे जा सकता है। सर आयनाइजेशन और एक्साइटेशन बोथ में इलेक्ट्रॉन एक से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है। यस, दोनों में एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाएगा, दोनों में ऊपर ही जाएगा, दोनों में हायर एनर्जी पे जाएगा। तो डिफरेंस ये कि आयनाइजेशन में इनफिनिटी तक जाता है। हाँ, दोनों में स्टार्टिंग एन इक्वल टू वन ही है, फर्क जो है वो इसके बाद में आता है। ये तो मैं एक्साइटेशन में इनफिनिटी रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, एक्साइटेशन में तुम्हें ऐसे बोलना पड़ेगा, रुको देखो बताता हूँ। देखो ना सपोज देखो आयनाइजेशन में वो इनफिनिटी से पहले कोई सॉलिड में नहीं जा सकता। एक बार जरा फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। आयनाइजेशन में वो इन्फिनिटी शेल से पहले वाले कोई भी शेल में जा सकता है ना? नहीं, आयनाइजेशन में नहीं जा सकता है। देखो आयनाइजेशन का मतलब क्या है मुझे बताओ,
आयनाइजेशन का मतलब एक तरह से ये है ना कि तुम्हें आयन में कन्वर्ट करना है. अब बताओ तुमने H में N इक्वल टू वन से H के अंदर ही अगर N इक्वल टू थ्री में डाला तो ये बताओ ये आयन बना क्या अभी तक बताओ? नहीं, आयन नहीं बना ना, ये H एक्साइट हो गया लेकिन H प्लस नहीं बना ना. ये H प्लस कब बनेगा बताओ? जब इलेक्ट्रॉन इससे हट जाएगा ना, तो हटने के लिए तुम्हें इन्फिनिटी पे लेके जाना पड़ेगा उसे. ओके सर, थैंक यू. हाँ तो भाई ये चीज इन्फिनिटी है. तो अगर यहां से यहां तक का जंप है पूरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी. और यहां से यहां तक कोई भी इनकम्प्लीट जंप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी. ये डायग्राम में पास में लिख लो. तो देखो सबसे छोटा एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा बताओ? वन से टू. तो एक्साइटेशन एनर्जी. अब देखो इसके नाम पता है कैसे देते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी, अगर वो तुमसे ये ऐसे वर्ड यूज कर ले, ऑफ सेकंड ऑर्बिट. जब तुमने देखो, जब उसने ऐसे लिख दिया बच्चों, ऐसे लिख दिया, ठीक है. अब मामला जो है वो उसने चीजें फिक्स कर दी है. तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट जो है, इसका मतलब क्या बताओ? कहां से कहां का जंप की बात कर रहा है वो? एन इक्वल टू वन से टू, वन टू एन इक्वल टू टू. अब पता है इसको वो और कैसे कैसे बोलना शुरू कर देगा बताओ? देखो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ, यहां थोड़ा सा टर्न ऑफ होना शुरू हो जाता है. हाँ, अब ये सब नाटक जो है ना, ये आने का मतलब है अपन का सवाल अपने हाथ से गया. क्योंकि अब कितना भी ध्यान रखने को बोल दें, लेकिन अमन आखिर हम जानते हैं, हम तो हम ही है ना यार अमन, कुछ ना कुछ तो हम शिट करने वाले हैं इसके अंदर. फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, और सुनो, और एक और नाम है इसका, वो नाम क्या है पता है? शॉर्ट में सिंपली फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. बस देखो उसने बात को घुमाते घुमाते कहां तक घुमा दिया है. फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बाय डिफॉल्ट मींस व्हाट? एन इक्वल टू वन से, तो देखो सुनो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एन इक्वल टू वन से स्टार्ट करना फिक्स्ड है कि नहीं बताओ? यस सर. तो कहां तक करना है इसका आइडिया तुम्हें ये वर्ड देगा. तो बताओ पहला एक्साइटेशन मतलब सबसे छोटा एक्साइटेशन है, तो कहां तक हो सकता है वो? टू तक. इसको जरा लिखो पूरा. सर हाँ बोलो. सर मुझे वो आयनाइजेशन एनर्जी में डाउट था, मतलब आपने अभी बोला ना कि H प्लस को आयन में बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को हटना पड़ेगा. हाँ. तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स के लिए ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मतलब नेगेटिव आयन होने के लिए क्या लगता है सर? वो नहीं समझ रहा. नेगेटिव आयन क्यों बनाना है? तो मतलब अगर Cl माइनस होगा ना सर, तो उसके लिए. हाँ. क्या नहीं, अभी देखो तुम इस डेफिनेशन को सब जगह क्यों अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो? आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करके जो हमने आयन में कन्वर्ट किया है वो है. तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात अभी हम लोग क्यों लेके आ रहे हैं? वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे. ठीक है अथर्व, कि भाई एनायन जब बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंड उस टर्म को आयनाइजेशन बोलते. जस्ट बिकॉज Cl माइनस को, सुनो, Cl माइनस को आयन बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आयनाइजेशन का मतलब जो है वो Cl माइनस बनाना हो जाएगा. ऐसा नहीं है. सिर्फ जितना बताया ना अभी इतना याद कर लो, वो सब चैप्टर्स आने वाले हैं, हम उसमें आराम से देखेंगे किसको क्या बोला जाता है. ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी मींस द शॉर्टेस्ट एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स. नहीं यार,
ऐसा नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड लिखा है ना यार, इस फर्स्ट वर्ड की वजह से क्या है हमने यहाँ पे शॉर्टेस्ट लिया है। और सर तो ये जंप सिर्फ कटान में होते क्या? क्या चीज फिर से बोलो? ये जंप सिर्फ कटान से होता है? ये अजम्पशन सिर्फ कटाइंस में होता है ये बोल रहे हो? जंप्स, जंपिंग, जंप्स, जंपिंग नहीं। एक मिनट सुनो, तुम लोगों ने मैंने एक्चुअली तुम्हें कटाइन अनायन बना के मतलब बता के गलत कर दिया, दैट वाज अ मिस्टेक। सुनो, ये अभी एटम है, अभी तक ये कटाइन कहाँ बना है? आयनाइजेशन को इसमें मिक्स क्यों कर रहे हो? कीप एक्साइटेशन एज अ सेपरेट थिंग। इलेक्ट्रॉन अभी भी एटम के अंदर है ना यार, क्यों बोलो? एन इक्वल टू 2 में बैठा है ना इलेक्ट्रॉन अभी है। हाँ सर, हाँ सर। तो वो अभी कटायन कहाँ बना है? ठीक है सर, ठीक है। एक्साइटेशन वर्ड जो है, सुनो, ये जनरल वर्ड है, अगर तुम फ्यूचर में यूज करना चाहो तो तुम कटायन, एनायन और न्यूट्रल एटम तीनों के अंदर अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं और सोडियम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, सोडियम प्लस मतलब तुमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, अब तुम इसके अंदर भी एक्साइटेशन वर्ड यूज कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जंप करेंगे तो उसको एक्साइटेशन बोला जा सकता है। हमें अभी ये क्यों करना है गाइज, वाई आर यू डूइंग दिस, दिस इज ऑलरेडी वेरी कंफ्यूजिंग। अभी जितना बता रहा हूं तुम उतने से अगर डेविएट करोगे तो तुम्हें बाद में कंफ्यूजन होगा। ओके सर, वन थिंग एट अ टाइम प्लीज, ठीक है? सॉरी सर। डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी नहीं जंप कर सकते क्या? हम डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट से कहीं पे भी जंप कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि तुम्हें किस एनर्जी का फोटोन दिया गया है। ठीक है, एक बार यहां तक लिखा भी सबने? यस सर। अब इसमें क्या है, देखो, जैसे मुझे बताओ कि अगर अगर मैं n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 3 बोलना चाहूं, मैं इसको क्या क्या नाम दे सकता हूं बताओ? पहले हाइड्रोजन के लिए तो सीखो, इसको क्या नाम दे सकते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट या थर्ड स्टेट या एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या सिंपली क्या बताओ? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, बस। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक चीज जो इसमें ऐड करने के लिए है गाइज, वो बताया क्या है? वो है बच्चों, जैसे मैं तुमसे जनरल पूछ लूंगा, बताओ मुझे कि फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा? मींस n इक्वल टू व्हाट टू n इक्वल टू व्हाट? n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5। बिल्कुल सही बात, ये सबको समझ में आया क्या बताओ? यस सर। तो आज से वो ये इंग्लिश टर्म्स यूज करना शुरू कर देगा सॉल्व करवाने के लिए। मैं लिखा, एक मिनट। यस सर। अच्छा, और बाइंडिंग एनर्जी जो है तीसरी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी सेग्रीगेशन है ना? नहीं नहीं, और सेपरेशन। सेपरेशन है ना? अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to move an electron from any excited state, ये जो है ये एक्चुअली
इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री टाइप है फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट. अब ये एक्साइटेड स्टेट जो है ये देखो यहाँ पे वेरिएबल है टू एन इक्वल टू इंफिनिटी, ये जो है ये फिक्स्ड है. दैट मींस देखो हम ऐसा कुछ कंक्लूड कर सकते हैं इन वर्ड्स के लिए कि अगर यहां से यहां वन से इंफिनिटी का गैप है इसको क्या बोलते हैं, बोलो. आयनाइजेशन एनर्जी. अगर वन से किसी भी जनरल बीच में रुक गए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी. और अगर किसी भी जनरल बीच वाले से हम लोग क्या करें बताओ इंफिनिटी तक जाएं तो उसे क्या बोलते हैं, सेपरेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट, ऑफ दैट ऑर्बिट. जो ये वर्ड बाइंडिंग है इसका मतलब यही है कि उस ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी का मतलब तुमने अगर ये एनर्जी दे दी तो उस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो खुल जाएगा, एटम से खुल के अलग हो जाएगा. ये तीन टर्म्स हमें याद रखने हैं. इफ समवन आस्क्स जैसे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी. सर ज्यादातर प्रॉब्लम्स में कंफ्यूज करने के लिए तो एक्साइटेशन ही देंगे ना. नहीं हाँ मतलब कंफ्यूज अभी पॉइंट के बाद में इसमें कुछ कंफ्यूज करने को क्या है, एक अच्छा केयरफुल बच्चा कभी कंफ्यूज थोड़ी होगा इसके अंदर, तो वो तुम्हें प्रॉब्लम तो सब तरह के बना के देता है, ऐसा कुछ नहीं है. ज्यादा प्रॉब्लम्स पता है आयनाइजेशन एनर्जी के आते हैं. देखो इसमें क्या है भाई, सर पर ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट थोड़ी है. ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट अपने डेफिनेशन में एनी एक्साइटेड स्टेट लिखा है. हाँ डेफिनेशन में एनी एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन अगर वो बोल दे ग्राउंड स्टेट तो ठीक है मान लो उसकी बात. भाई बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि सेपरेट करना है हमें वहां से, तो एनी एक्साइटेड स्टेट हमने यहाँ पे इसलिए लिखा बिकॉज हम ग्राउंड स्टेट के लिए ऑलरेडी आयनाइजेशन डिफाइन कर चुके थे, वर्ड यूज कर चुके थे. बट देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट. ठीक है वो करे तो सब अलाउड है, हम करें तो गलत है. ठीक है उसकी हर बात माननी पड़ती है, तो जो उसने जिसने डिफाइन जैसे डिफाइन होके आया है वो समझ लेना है. जैसे देखो देखो ये उसी लेक्चर का आइस फोर है. डेफिनेशन लिखना था कौन सा, सेपरेशन का. हाँ लेक्चर नंबर पूछ रहे हो क्या, नहीं लास्ट स्लाइड चाहिए था. हाँ कैलकुलेट कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर लिथियम प्लस टू आयन. लिथियम प्लस टू आयन. हाँ भाई बताओ भाई क्या करें. अनादि माइक ऑन कर सकते हो. यस सर. हाँ भाई बताओ पहले मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा है. सर फॉर्मूला है 13.6 इनटू जेड स्क्वायर इनटू मॉड 1 बाय एन 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन 2 स्क्वायर मॉड क्लोज. गुड ये हमें निकालना है राइट. यस यस सर. हाँ भाई वैल्यूज पुट कर दो बना दी बस. सर एन 1 1 होगा और एन 2 इनफिनिटी होगा और ये और एड 3 होगा. 3 का स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इनफिनिटी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू. अच्छा एक चीज नोटिस करो गाइस. हां 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 बोलो नादी. सर कुछ नहीं. अच्छा देखो गाइस एक चीज नोटिस करो.
तो चीज ये है, सब लोग सुनो, सबका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 13.6, 13.6 इनटू 9 कितना होता है ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पे एक है ना वर्थ मेंशनिंग चीज, इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि तुम जो है इसको थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हो। नाउ टू स्पीड अप वैल्यूज याद है ना, हाँ, पर बिट्स की कैलकुलेशन, देखो एटलीस्ट देखो कुछ बातें ध्यान रखो, सुनो, लर्न फॉर हाइड्रोजन, पहले क्या करो हाइड्रोजन के लिए याद कर लो, लर्न फॉर हाइड्रोजन एटम। देखो हाइड्रोजन के लिए 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी, ठीक है, तो ये वैल्यू -13.6 है, ये वैल्यू -3.4, -1.51 और ये जीरो है। एक तो ये तुम्हें याद है, और एक सुनो मैंने तुम्हें बोला था, देखो इनके बीच का गैप भी याद कर लो गाइस। हाँ सर, वेलकम। देखो ये गैप 10.2 है, बोलो है कि नहीं? यस सर, यस सर। ये गैप 1.89, ठीक है, और वैसे तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जब 2-3 का गैप इतना है, 1-2 का गैप इतना है, तो 1-3 का गैप कितना होगा बताओ? इन दोनों का समी तो होगा ना? यस सर, ठीक है, वो भी नंबर हम याद कर लेते हैं। हमारा एम है कैलकुलेशन फास्ट करना एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज़ हमें कैलसी दिया तो जाएगा नहीं। 1-3 का गैप जो है वो 12.09। एक बार जरा साइड में देखो, ये जरा बना लो जरा प्लीज, फॉर्मूला किसमें था ना, तो लो हो गया। क्या चीज, क्या बोल रहे हो? ये सब फॉर्मूला किसमें था, तो लो हो गया। अब इसका यूज क्या है, देखो तुम पता है तुम्हें कोई भी सवाल पूछा जाता है ना, तो लीव दिस जेड स्क्वायर आउट, इस जेड स्क्वायर को अगर अलग रख दो, बच्चों पेन रखो एक बार, देखो यहाँ देखो, तो ये बचा हुआ एक्सप्रेशन जो है, ये बताओ ये हमेशा हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. That means, although हमने वो वैल्यूज हाइड्रोजन के लिए याद की हैं, लेकिन हम लोग क्या है इसको फॉर्चुनेटली जगह जगह यूज कर सकते हैं, जगह जगह यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं तुम्हें अभी एक सवाल दूं, देखो सर ऐसे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला से हो सकता है ना? क्या चीज, फिर से बोलो, मतलब इसी से हो सकता है? ऐसे टाइप के, हाँ हाँ इससे तो हो ही सकता है, मैं तो बताता हूँ ना। देखो सपोज तुमसे कोई पूछता है, तुमसे कोई ये पूछता है कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस टू बताना है तुम्हें, ठीक है, तो इसका देखो, इसका मेथड वन क्या है बताओ? ठीक है, इसका मेथड वन ये है कि तुम ये फॉर्मूला लगाओ आराम से, जैसे भी बताया अनादि ने। मुझे छोटा सा डाउट है सर, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? हाँ फॉर्मूला तो यही लगाना है बच्चे, हमें यही फॉर्मूला लगाना है एनर्जी का, तुम्हें यही फॉर्मूला सिखाया गया है ना अभी तक। मुझे इसमें छोटी सी चीज ऐड करनी है, एविगेल तुम लास्ट क्लास में नहीं आई थी ना? आई थी सर, मॉर्निंग में 9 बजे क्लास हुई थी, उसमें आई थी तुम? हाँ सर आई थी। एविगेल मुझे स्क्रीनशॉट में तुम्हारा नाम नहीं दिखाई दिया। मैंने भेजा। अच्छा, क्योंकि हमने उसके अंदर फॉर्मूला सीखा था, एंड अगर तुम उसमें लेट आई, तुमने ढंग से फॉर्मूला पता है, लेकिन वो कंफ्यूजन होता कब लगाना है। जब वो तुमसे, या देखो ये फॉर्मूला किस चीज का है मुझे बताओ, इसके अंदर 13.6 क्या है बताओ? रेडियस है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, एनर्जी है, क्या है बताओ? काइनेटिक एनर्जी। नहीं वैसे मतलब काइनेटिक पोटेंशियल तो हम लोग (2)/2 करके निकाल लेंगे, बट ये हम जानते हैं ना कि ये एनर्जी है, बताओ। तो जब तुमने ये डिफरेंस लिया है यहाँ पे, मुझे बताओ तो ये फिर क्या हो गया, एनर्जी गैप हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हाँ हो गया। तो जब भी तुमसे वो एनर्जी की, देखो जब भी तुमसे वो एनर्जी गैप की बात करेगा तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके सर, थैंक यू। हम लोग उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एनर्जी गैप की। तो मेथड वन में मुझे बताओ,
ठीक है, मुझे से बताओ कि इसमें फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है, पहले बताओ कहां से कहां की बात कर रहा है वो? सर n1 टू n2, n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2 की बात कर रहा है। तो मेथड 1 क्या है, देखो मेथड 1 है 13.6 इनटू z स्क्वायर इनटू 1/1² माइनस 1/2² दैट इज इक्वल टू 13.6 इनटू 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 9 डिवाइडेड बाय क्या बताओ, सॉरी इनटू इनटू 9 इनटू 3/4 हुआ कि नहीं हुआ बताओ, अब इसी चीज को पता है अगर हम मेथड 2 से करेंगे, अब एक बच्चा इसको बैठ के मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर निकाल लेगा, ठीक है 13.6 को 9 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लेगा। लेकिन मेथड 2 अगर किसी को ये पता है कि 1 से 2 का गैप हाइड्रोजन में कितना होता है, इफ समबडी नोस 13.6 1 नहीं 1 से 2 का गैप 10.2 अब वैल्यूज तुम्हें एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। तो डेल्टा ई ऑफ एनी एटॉमिक नंबर की स्पीशीज जेड वाला डेल्टा ई इज एक्चुअली इक्वल टू क्या होता है बताओ, इक्वल टू होता है डेल्टा ई ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय क्या बताओ, जेड स्क्वायर। देखो देखो अभिगेल, अब मैं तुम्हें यहां पे ये बताता हूं सबसे पहले तो अभिगेल कि अगर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन होता है किसी भी चीज से तो पहले ध्यान रखो कि जब भी एनर्जी या एनर्जी गैप रिलेटेड सवाल आता है तो तुम्हें 13.6 वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर वो सिर्फ एनर्जी पूछता है अभिगेल, बाकी लोग ध्यान से सुनो, अगर वो तुमसे सिर्फ ये पूछता है कि एन इक्वल टू 4 ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, ठीक है, तब तुम्हें पता है ये तुमसे गैप नहीं पूछ रहा है, तुमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है, तो तुम क्या लगाओगे -13.6 z² / n² दैट इज फाइन। और तुमसे अगर वो ऐसे पूछता है कि 4 से 7 के बीच का गैप बताओ, अब वो तुमसे गैप की बात कर रहा है, सुन रहे हो ना अभिगेल, अब वो तुमसे गैप की बात करता है तो ध्यान रखो अब तुम्हें 4 से 7 के बीच का गैप लगाना है तुम्हें, तो तुम्हें यही फॉर्मूला दो बार यूज करना पड़ेगा ना, एक बार n को 4 लेके एक बार n को 7 लेके, इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया गया है ये मॉड वाला। तो सर जब 5 के ऊपर वाला ऑर्बिट होगा तो लगाना ही पड़ेगा ना वो फॉर्मूला? हाँ तब तो लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें 5 के ऊपर क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन था आपने जो असाइनमेंट दी थी उसमें 6th ऑर्बिट था, क्या लिखा है, required for excitation of electron from Manoj kuch bolo, haan sir bolo to sahi, definition mein likha hua samjha sir to Abigail, तुम जो इस फॉर्मूले को जब दो बार लगाओगी एंड तुम्हें रियलाइज होगा कि ये लंबा जा रहा है तो तुम्हें ये चीज समझ में आएगी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। तो बताओ 1 से 2 का गैप कितना है, 10.2 है कि नहीं हाइड्रोजन के लिए, देखो तो तुम्हें ये नंबर अगर डायरेक्टली याद है 10.2 तो आंसर सीधा 10.2 इंटू क्या हो जाएगा 9। समझा क्या, समझा क्या, समझा क्या सर? इनटू 13.6 भी होगा ना? अरे क्यों 13.6 होगा बच्चे, तो डेल्टा में आ गया ना वो, तो डिफरेंस में सब एडजस्ट हो गया ना,
देखो ना ये सुनो, ये 10.2 कैसे आया था बताओ सर? नहीं, 13.6 इनटू जेड स्क्वायर इनटू वो 1/1 स्क्वायर, उसके जगह मतलब 9 साइड में लिया, 13.6 इनटू गैप होगा ना। तुम समझे नहीं मेरी बात, एक मिनट को, सब कुछ डिस्चार्ज हो रहा है मेरा, एक बार चार्जिंग को आना होगा बस, एक सेकंड। हाँ भाई आदित्य, आदित्य समझा गया ये? यस। हाँ तो समझाओ उसको। वो डाउट पूछ रहा है, उसे बताओ क्या पूछ रहा है, बोलो भाई दोबारा पूछो। कौन पूछ रहा था? मोहित पूछ रहा था क्या? हाँ सर। हाँ मोहित पूछो भाई। क्या 13.6 क्यों नहीं किया और एक बार ऐसे पूछ रहा? 10.2 के 13.6 क्यों नहीं किया ये पूछ रहे हो ना? और एक बार 13.6 आएगा ऐसा? हाँ भाई आदित्य आएगा क्या? नो सर, क्योंकि ऑलरेडी सबट्रैक्ट कर दिया ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा मैं ऐसे बताता हूँ, सुनो देखो ना, यहाँ देखो मोहित, देखो तुम्हारे पास कैसी है कि मोहित? हाँ फोन में खोल। 13.6 इनटू 3 करो, एक मिनट। अब मुझे बताओ तुमने, देखो यहाँ देखो मोहित, तुमने बताओ ये चीज निकाली कि नहीं निकाली? ये देखो कौन सी चीज, देखो ना पीछे बोर्ड पे देखो ना। हाँ सर। 13.6 इंटू 3 अपॉन 4 करके क्या आया बताओ? 10.2। अब तुम दिस इंटू 9 ही तो करना है यार। हाँ सर। अभी तो अब क्यों 13.6 होगा भाई? हाँ सर। समझ गए? हाँ। सबने लिखा? हाँ भाई लिखा सबने। देखो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। आइस फाइव सर, एक मिनट पीछे। हो गया सर। कैलकुलेट सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी second excitation energy for helium plus ion drishya mic on kar sakte ho? yes sir। ha bhai pehle mujhe batao ki ye फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? दिस 13.6 इनटू जेड स्क्वायर मॉड 1 अपॉन एन स्क्वायर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। ठीक है, या फिर उसका डिफरेंस का भी ले सकते हैं। क्या बात है। तो अब सॉल्यूशन के अंदर एक अप्रोच तो ये है डेल्टा ई, ये हमारा आंसर है। हाँ। एटलीस्ट वैल्यूज डाल दो इसमें दृश्य, क्या लिखूं बताओ? 13.6 इनटू 2 स्क्वायर मॉड 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर।
और इससे सॉल्व होगा 13.6 इंटू 4 इंटू बोलो 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाय 27. नाउ डोंट यू थिंक, मुझे चीज बताओ सोच के, ये डिफिकल्ट, देखो अबिगेल, देखो ये डिफिकल्ट कैलकुलेशन है कि नहीं अबिगेल? जब कैलसी नहीं हो, कैलसी नहीं हो तो 27 से तुम्हें डिवाइड करना है सर, वो 8 बाय 9 होगा. आई एम सॉरी, मैं कहां जा रहा हूं, अब तो डिफिकल्ट नहीं है, बट इससे आसान क्या है बताओ? इजियर है ना ये कि हम लोग इस वैल्यू को पहले ही रट लें. तो 1 से 3 का गैप कितना होता है बताओ? 12.09. अब ये नंबर याद होना चाहिए भाई तुम्हें, मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आंसर है. सर तो ऐसे 2 से 3, 3 से 4 ऐसे सबके कैसे आते? नहीं सबके नहीं. अच्छा ठीक है, देखो यू नो इवन इफ मैं तुम्हें दे दूं कि लिथियम प्लस 2 में 5 से 3 है, चलो सैंपल, तो पता है मेथड 1 तो क्या बोलता है, ये भी देखो कॉपी कर लेना पूरा. मेथड 1 क्या बोलता है? 13.6 into 9, ठीक है ना, लिथियम प्लस 2 into 1/9 माइनस 1/25, ये है कि नहीं बताओ? यस सर. अब ये पेन से तो बेटर है ना, मुझे डिफरेंस नहीं याद है, बट मुझे हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट का पता है क्या बताओ? कितना वैल्यू है? 1.89 है, ठीक है. और फिफ्थ ऑर्बिट का कितना वैल्यू है? 0.64. नहीं नहीं 0.64 का 0. सर नहीं, तो थर्ड का 1.51 और फिफ्थ का 0.54. 0.54 हाँ 0.54. थर्ड का 1.51 है. थर्ड का, अच्छा थर्ड का 1.51. देखो क्या हालत है मेरी, देखो तुमको बोलता हूँ लिखने के लिए. तो मेथड 2 में देखो तुम्हें डिफरेंस नहीं याद है, बट मुझे बताओ सब्ट्रैक्ट करना हमेशा आसान है कि नहीं है? तो एक काम करते हैं हम 1.51 माइनस 0.54 लिख लेते हैं. सर वो तो कभी कर सकते, तो फिर बस ठीक है यार, ये भी तो ठीक ही है, क्या दिक्कत है? इनटू क्या कर दोगे? 9 कर. तो ये चीज आसान नहीं है, इससे बताओ प्लीज, इससे करना तो यही बेटर है. यस सर. हां सर, ये तो तुम्हें डिफरेंस याद है तो ये अल्ट्रा फास्ट हो जाएगा, डिफरेंस नहीं याद है तब भी हो जाएगा, डिफरेंस निकाल लो. 5 तक के जितने सवाल हैं वो तो तुम कर ही लोगे आसानी से. आंसर क्या आ रहा है भाई? 48.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जल्दी करो, सबने लिखा? यस सर. अच्छा नेक्स्ट देखो सर, एक सेपरेशन का एग्जांपल. सेपरेशन का एग्जांपल क्या मेरे पास? सेपरेशन का एग्जांपल है क्या यार, एक बार रुको देखो. आई सिक्स देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एच लाइक सिस्टम. देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एच लाइक सिस्टम. अब बताओ इसमें क्या अननोन है बताओ मुझे. एलिमेंट कौन सा है? यस, ऐसे तुमसे वैरायटी वैरायटी के सवाल बना देगा. कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट. सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज गिवन बाय इज गिवन बाय 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन बताओ तुमसे क्या सवाल पूछेगा, बोलो गाइस कौन सा एलिमेंट है? यस, तो ए पार्ट है आइडेंटिफाई सैंपल. आइडेंटिफाई सैंपल. बी पार्ट है, अब जब सैंपल ढूंढ लिया अब वो अपने मन मर्जी के सवाल पूछेगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सैंपल. सी पार्ट है
एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट. Third excited state. Or D, wavelength of emitted photon when electron falls from first excited state to ground state. बस 5-10 मिनट और अभियुक्त सर. 8 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या? क्या चीज? कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा? यार ये तो ऐसे ही सवाल है यार. बाकी तो नॉर्मली 4 मार्क्स का एक सवाल रहता है, ठीक है, बट लेकिन मुश्किल थोड़ी है. देखो भाई, मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ पास में, ए पार्ट. अब देखो ए पार्ट में क्या है, देखो तुम क्या यूज करोगे बताओ. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब एन इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू क्या बताओ? इन्फिनिटी. बोलो हुआ कि नहीं? इसका मतलब ये देखो, मतलब समझना लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट हुआ ना गाइज. तो बस देखो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूं बताओ. 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/9 माइनस 0, 1/9 ही बचेगा, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 13.5. अब बहुत बार क्या होता है बच्चों, तुम्हारा आंसर जो है ना वो एकदम एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आ रहा है, बट तुम्हें फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग क्या करना पड़ेगा बताओ? ठीक है, वी हैव टू कैंसिल दिस एंड दिस. तो z स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 9. तो z इज अप्रोक्सीमेटली 3. ठीक है, लिथियम. तो यहां पे बस मैं बोलूंगा चलता है यार, अब ठीक है, कोई बात नहीं. तो पहला तो लिथियम प्लस 2 हो गया भाई. सब लोग सॉल्यूशन करके नीचे कॉपी करते जाओ अभी जल्दी से. ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सैंपल. हाँ भाई, सेकंड पार्ट तो इजी है. हाँ सर, इजी. बताओ कहां से कहां का जंप है ये? ईशा माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर. हाँ देखो, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कहां से कहां का जंप? ग्राउंड n is equal to 1 to n is equal to infinity. Good. लड़कियां एकदम अटेंटिव है, एकदम. हाँ हाँ भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 9. बस ये आंसर है. 122.4. देखो देखो, अभी लड़के से पूछते हैं, देखो आधे घंटे जवाब नहीं आया. किससे पूछे? हर्षद माइक ऑन कर सकते हो? जग रहा है. हाँ भाई हर्षद, एनर्जी ऑफ फोटोन
कहां से कहां के लिए होगा बताओ हर्षद, कहां से कहां के लिए है ये n इक्वल टू टू n इक्वल टू टू से थ्री तक? अरे हर्षद, अरे हर्षद देखो तुम्हारे डर के मारे तुम्हारा स्पाइन में तुम्हारे शिवर नहीं दौड़ा ये एक्साइटेड वर्ड देख के भाई, डर नहीं लगा तुम्हें? n इक्वल टू, हाँ बोलो अर्शद कहाँ से कहाँ? टू से फोर तक। हाँ अब बताओ अर्शद कैसे निकालूं बताओ मुझे जल्दी से। वो फॉर्मूले से 13.6 इनटू z स्क्वायर पर सेकंड स्टेट और सेकंड और पीछे में। अच्छा क्या चीज क्या बोल रहे हो? सेकंड स्टेट और सेकंड ऑर्बिट सेम है। सेकंड स्टेट सेकंड ऑर्बिट सेम है, एक्साइटेड वर्ड नहीं यूज किया ना। ओके सर, तो सेकंड और थर्ड के लिए कॉमन एक्साइटेड वर्ड यूज कैसा लगा? हाँ एक्साइटेड वर्ड यूज करेगा वो ना, उसके बिना तुम्हें कुछ नहीं करना है। हाँ भाई फिलहाल क्या हो जाएगा भाई ये? अच्छा अच्छा तरीका क्या है तुम्हें फोर्थ हाइड्रोजन की फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है बताओ? 0.85 सेकंड की 3.4 और 0.85 का डिफरेंस ले लो और इनटू क्या कर दो? z स्क्वायर और सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज n इज इक्वल टू 3। नहीं सुनो बच्चे दृश्या, इसने यहाँ पे सेकंड स्टेट बोला है ना, दृश्या? यस सर समझा। समझा ना, देखो ऐसे कंफ्यूजन होता दृश्या, देखो सेकंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट अगर मैं ऐसे लिख देता ना बताओ दृश्या, तो मेरा कंफ्यूजन होता। नोटबुक में सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा तुमने लिख लिया था? हाँ देखो ना यहाँ क्लियरली ऐसे लिखा है मैंने सेकंड स्टेट। सर सेकंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब एक्साइटेड दोनों के लिए कॉमन नहीं हो सकता मतलब? नहीं 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 मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा था। देखो अगर वो तुम्हें ऐसे लिखता ना, मोहित बोल रहे हो ना सेकंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, वो बाद में एक्साइटेड वर्ड लगाता ना मोहित, तब भी मैं ये तो नहीं बोलूंगा कन्फर्म है, लेकिन तब कंफ्यूजिंग है कि सेकंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है क्या? लेकिन इसका एक्साइटेड अलग है और यहाँ पे स्टेट वर्ड इसने अलग लगा दिया है ना। सर स्टेट वर्ड क्या है? ठीक है सबने, हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है दिया, क्या आंसर आ रहा है? 91.8। हाँ सर। और लास्ट चीज अब बताओ, इतनी देर से एनर्जी गैप निकालते निकालते इसने तुमसे लास्ट में क्या पूछ लिया है बताओ? लैम्डा। लैम्डा तो ओके रिया, डिफरेंट जवाब क्यों दे रही है? 91.8 नहीं आ रहा है। अच्छा तुमने गलत बताया है, 91.8 नहीं आ रहा है। 3.4 माइनस 0.85 2 पॉइंट समथिंग होगा ना? 2.82 है उसका डिफरेंस। 2.82 है, 2.82 इनटू 9 कितना है भाई? 25.38 है क्या भाई, चेक करो। हाँ सर 25.38 सॉरी। हाँ भाई शर्वरी एक बार माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। हाँ मुझे बताओ डी पार्ट के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं, बोलो जल्दी से। सो एचसी अपॉन लैम्डा। यस एक सेकंड ना, एक सेकंड। हाँ हाँ एचसी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 इनटू जेड स्क्वायर इनटू 1/n1² माइनस 1/n2² सुनो वैल्यूज तुम बोलती जाओ शर्वरी, मुझे क्या डालनी है? ओके ओके 9 z स्क्वायर हो गया और बोलो क्या है?
from first excited state to ground state. So 1 upon 2 square. 1 upon 2 square. Minus 1 upon 1 square, which is 1. Okay. 1 upon 1 square. मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/1² माइनस 1/2², ठीक है? अच्छा शर्वरी, थोड़ा सा मेरे और हेल्प करो, तुम्हारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है शर्वरी। हाँ सर। ठीक है, मुझे तो लेफ्ट 2-1 है ना? अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, तो फिर वो 1/2400 अपॉन लैम्डा इनटू एंगस्ट्रॉम हो सकता है। यस, यहाँ पे 6.626 मत यूज करना, क्यों नहीं यूज करना है बताओ मुझे। सिंपलीफाई करें बच्चों हम लोग, क्यों भाई 1 से 2 का गैप पता है मुझे हाइड्रोजन का, शर्वरी गैप 10.2। यस, ये रट लो, अगर 10.2 × 9 लिखा है, इससे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए। इससे लैम्डा सॉल्व करो एंगस्ट्रॉम में, तुम्हारे पास में प्रोबेबली आंसर जो है वो 135 एंगस्ट्रॉम आएगा। सर हाँ बोलो, सी का आंसर 22.95 आएगा क्योंकि डिफरेंस 2.55 आ रहा है। यस सर, तुम लोगों ने ना एकदम मतलब, नहीं सर ये पक्का है सर। यस सर दिस इज राइट। रुको, हाँ भाई 22.95। यस सर। चलो ये रिया, क्या तुम, मैं तुम लोगों का साइड ले रहा हूँ एकदम बॉयज के सामने है, तुम लोग एकदम बेइज्जती करवा देते हो। कैलकुलेशन मिस्टेक तुम्हें कॉस्ट करेगा एग्जाम में, समझ रहे हो? पता है जेई में तो कैसे ऑप्शन आते हैं, पता है कि चारों ऑप्शन पता है किसी न किसी बच्चों के आ ही जाते हैं, तुम किसी और रॉन्ग मेथड से करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, किसी और मेथड से करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। इतना डेंजरस है कि सुबह करोगे तो कुछ और आ जाएगा, शाम में कुछ मिस्टेक होगी, सिली मिस्टेक होगी तो कुछ और ऑप्शन आ जाएगा। एंड हम इतने खुशी खुशी आंसर मार्क करते हैं एंड इतने चहकते हुए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं जब देखते हैं दूसरों के साथ में, एंड देन वी स्नैच आवर हेयर के अरे बाप रे यार क्या हो गया। चलो गाइस हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तब तक तुम और कितने क्लासेस होंगे? शायद नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा, शायद उसके बाद में एक क्लास और लगेगा मे बी। देन एटॉमिक जो है उसमें एक लास्ट का पोर्शन बचेगा जो अप्रैल बैच के बच्चों का भी बाकी है, तो वो तुम्हारा उनके साथ कवर अप होगा, ठीक है? स्टार्ट करना शुरू कर देना है बिकॉज मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में वो चेक कर सकता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट असाइनमेंट स्टार्ट कर दो, वैसे मैं ग्रुप पे अपडेट करूंगा तुम्हें। ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। Thanks. Yep. Bye. Bye. So students, आपका chemistry lecture over हो गया है. You have 15 minute break. After 15 minutes, we will start your next lecture. Okay, ma'am. Thank you. And for chemistry cover up, like related to other batch students, your cover up has been completed. You can leave this June batch.